वेटिकन सिटी भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग के आकार का है। यह पहले शिव को समर्पित एक मंदिर था। ऐसा सुनकर थोड़ी देर के लिए कोई भी चौंक जाएगा। यह चौंकाने वाला दावा इतिहासकार पीएन ओक के द्वारा किया गया था। यह दुनिया धर्म के एक मजबूत आधार पर खड़ी है और शायद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धर्म ही है जो व्यक्ति को सही और संयमित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहासकार पीएन ओक की माने तो धर्म चाहे कोई भी हो, उसका उद्भव सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म से हुआ है। अपने दावों को आधार देने के लिए पीएन ओक ने कई उदाहरण पेश किए हैं, जिनमें से रोम का वेटिकन शहर प्रमुख है। वेटिकन शहर की संरचना और शिवलिंग की आकृति में एक गजब की समानता है। इस तस्वीर को देखने पर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पवित्र प्रतीक शिवलिंग और वेटिकन शहर की प्रांगण की संरचना में अचंभित कर देने वाली समानता है। शिव के माथे पर तीन रेखाएं और एक बिंदु होती है। यह रेखाएं शिवलिंग पर भी समान रूप से अंकित होती है। जब आप ऊंचाई से वेटिकन सिटी को देखेंगे तो आपको शिवलिंग के आकार जैसी तस्वीरें दिखाई देगी। भारतीय इतिहासकार पीएन ओक की माने तो वेटिकन शब्द संस्कृत के एक शब्द वाटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैदिक सांस्कृतिक केंद्र। इस तरह के शब्द यह सिद्ध करते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अस्तित्व में आने से पहले वेटिकन एक हिंदू धार्मिक केंद्र था। ओक के अनुसार इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के यौगिक है। वैसे माना यह भी जाता है पुरातात्विक खुदाई के दौरान वेटिकन सिटी में एक शिवलिंग की खोज की गई थी, जिसे प्रदर्शन के लिए वेटिकन सिटी के एड्रेस्केन संग्रहालय में रखा गया है। पीएनओ का सिद्धांत कहता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हिंदू धर्म के व्युत्पन्न शब्द है। उन्होंने यह भी कहा है कि कैथोलिक वेटिकन काबा और ताजमहल एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यही नहीं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी शब्द को भी भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण नीति के साथ जोड़ा है। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि सनातन धर्म जो कि अनंत काल से है। लगातार जानकारी में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की अवश्य दबाएं। हर हर महादेव।